हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपोजिट वर्ड्स। सो आज का फर्स्ट वर्ड है रियल। रियल मीन्स असली। असली को इंग्लिश में रियल कहते हैं और रियल का अपोजिट होता है फेक। फेक मीन्स नकली। नकली को इंग्लिश में फेक कहते हैं। सो रियल फेक। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में बाय कहते हैं और बाय का अपोजिट होता है सेल। सेल मीन्स बेचना। बेचना को इंग्लिश में सेल कहते हैं। बाय सेल। नेक्स्ट वर्ड है रिच। रिच मीन्स अमीर। अमीर को इंग्लिश में रिच कहते हैं। रिच का अपोजिट होता है पुअर। पुअर मीन्स गरीब। गरीब को इंग्लिश में पुअर कहते हैं। सो रिच पुअर। नेक्स्ट है टेक। टेक मीन्स लेना। लेना को इंग्लिश में टेक कहते हैं और टेक का अपोजिट होता है गिव। गिव मीन्स देना। देना को इंग्लिश में गिव कहते हैं। टेक गिव। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं और ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। अगली मीन्स बदसूरत। बदसूरत को इंग्लिश में अगली कहते हैं। ब्यूटीफुल अगली। नेक्स्ट है बिग। बिग मीन्स बड़ा। बड़ा को इंग्लिश में बिग कहते हैं और बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। छोटा को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं। बिग स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। खुश को इंग्लिश में हैप्पी कहते हैं और हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। सैड मीन्स दुखी। दुखी को इंग्लिश में सैड कहते हैं। हैप्पी सैड। नेक्स्ट वर्ड है हॉट। हॉट मीन्स गरम। गरम को इंग्लिश में हॉट कहते हैं और हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा। ठंडा को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। हॉट कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है फैट। फैट मीन्स मोटा। मोटा को इंग्लिश में फैट कहते हैं और फैट का अपोजिट होता है थिन। थिन मीन्स पतला। पतला को इंग्लिश में थिन कहते हैं। सो फैट थिन। नेक्स्ट वर्ड है काइंड। काइंड मीन्स दयालु। दयालु को इंग्लिश में काइंड कहते हैं और काइंड का अपोजिट होता है क्रूअल। क्रूअल मीन्स निर्दयी या क्रूर। क्रूर को इंग्लिश में क्रूअल कहते हैं। काइंड क्रूअल। नेक्स्ट वर्ड है डेड। डेड मीन्स मृत। मृत को इंग्लिश में डेड कहते हैं और डेड का अपोजिट होता है अलाइव। अलाइव मीन्स जिंदा। जिंदा को इंग्लिश में अलाइव कहते हैं। डेड अलाइव। नेक्स्ट वर्ड है डे। डे मीन्स दिन। दिन को इंग्लिश में डे कहते हैं और डे का अपोजिट होता है नाइट। नाइट मीन्स रात। रात को इंग्लिश में नाइट कहते हैं। सो डे नाइट। नेक्स्ट वर्ड है क्लीन। क्लीन मीन्स साफ। साफ को इंग्लिश में क्लीन कहते हैं और क्लीन का अपोजिट होता है डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। गंदा को इंग्लिश में डर्टी कहते हैं। सो क्लीन डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है चीप मीन्स सस्ता। सस्ता को इंग्लिश में चीप कहते हैं और चीप का अपोजिट होता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। महंगा को इंग्लिश में एक्सपेंसिव कहते हैं। सो चीप एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। खाली को इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं और एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल। फुल मीन्स भरा हुआ। भरा हुआ को इंग्लिश में फुल कहते हैं। एम्प्टी फुल। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव मीन्स प्यार। प्यार को इंग्लिश में लव कहते हैं और लव का अपोजिट होता है हेट। हेट मीन्स नफरत। नफरत को इंग्लिश में हेट कहते हैं। लव हेट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स दोस्त और दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं और फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी। एनिमी मीन्स दुश्मन। दुश्मन को इंग्लिश में एनिमी कहते हैं। फ्रेंड एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है हेवन। हेवन मीन्स स्वर्ग। स्वर्ग को इंग्लिश में हेवन कहते हैं और हेवन का अपोजिट होता है हेल। हेल मीन्स नर्क। नर्क को इंग्लिश में हेल कहते हैं। हेवन हेल। नेक्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। चालाक को इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं और क्लेवर का अपोजिट होता है स्टूपिड।
स्टूपिड मीन्स बेवकूफ, बेवकूफ को इंग्लिश में स्टूपिड कहते हैं। सो क्लेवर स्टूपिड नेक्स्ट वर्ड है। तो दोस्तों ये आज के क्विज हैं, दयालु और निर्दयी इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको कॉमन इंग्लिश वर्ड मीनिंग की नॉलेज मिलती है, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली कॉमन इंग्लिश को आसानी से बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।